देख रहे भी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा। गोपालगंज से एक खबर आ रही है जहां एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चे का जन्म होना ये आम बात है, लेकिन उस बच्चे में क्या खासियत है, क्यों अनोखा है, ये अब आपको तस्वीरों से पता चल जाएगा। क्योंकि इस बच्चे का चार पैर है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बच्चे का तीन बड़े पैर है और एक छोटा सा पैर है। फिलहाल ये बच्चा अभी जीवित है और इसकी जांच जारी है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। गोपालगंज में एक विचित्र बच्चे ने जन्म लिया है। आपको बता दें कि जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतीत गांव निवासी रहीन अली की पत्नी रवीना खातून ने आज एक विचित्र बच्चे को जन्म दिया है। जन्म के बाद बच्चे का चार पैर और दो शौच मार्ग हैं, जिसमें तीन पैर बड़े और एक काफी छोटे आकार का है। फिलहाल अजीबोगरीब बच्चे को सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि रेवतीत गांव निवासी रवीना खातून को आज परसों पीड़ा हुआ। परिजनों द्वारा तत्काल बैकुंठपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां एक बच्चे ने जन्म लिया। जन्म के बाद बच्चे के चार पैर और दो शौच मार्ग थे। इस अजीबोगरीब बच्चे की इस जन्म के बाद पूरे इलाके में इसकी सूचना आग की तरह फैल गई। हर कोई एक बार इस बच्चे को देखना चाहता है। वही अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को तत्काल सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां बच्चे को नवजात शिशु इकाई में रखकर इलाज किया जा रहा है। बच्चे की इलाज कर रहे डॉक्टर सौरव अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के रेयर केस मामले आते हैं। फिलहाल बच्चे की प्राथमिक उपचार की जा रही है। आपको बता दें कि रेवतीत गांव निवासी रहीन अली के तीन बच्चे हैं, दो बेटे में सबसे छोटा बेटा है। ये इसको एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी में हम लोग कहते हैं, जो बहुत रेयर बीमारी है, रेयर है, और एक तरह से ये लाखों बच्चा में एक बच्चा इस तरह का होता है, जिसको एक्स्ट्रा जो ऑर्गेन होता है हमारे शरीर का जो होता है, जैसे कभी छः उंगली हो देखे होंगे, उसी तरह शरीर में कभी कभी दो एक्स्ट्रा पैर, एक एक्स्ट्रा पैर हो जाता है। तो ये रेयर है और इसका इलाज जो है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग जो भी है इसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे अपना। और स्थिति बेटा अभी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। यहाँ के लिए जो है हम लोग इसको जितना भी है यहाँ पर करेंगे, फिर आगे के लिए हम लोग इसको हायर सेंटर भेज के। इसको जो है चार पैर है, ठीक है, एक पैर जो है काफ़ी छोटा है और तीन पैर तो हमको दिख रहा है, एक पैर बहुत छोटा है, और इसको NS जो है, जो पैखाने का रास्ता जो है दो है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे एबी न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।